इस टॉपिक में हम लोग फ्लेम कलर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट देखें। तो फ्लेम कलर पहले होता क्या है, तो समझते बात। अगर हमने एक बर्नर लिया है, बंसन बर्नर, तो इसमें बहुत सारे फ्लेम के जोन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जोन, रिड्यूसिंग जोन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग जोन होता है फ्लेम का, ऑक्सीडाइजिंग जोन, अगर मैं इस मेटल को या इस मेटल के कटायन, मतलब दोनों में से कोई भी रख सकते, या तो मैं प्योर लिथियम का मेटल एलिमेंट ले लूँगा या लिथियम क्लोराइड ले लूँगा, मतलब आइदर मेटल और मेटल कटायन और मेटल कटायन, अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो जो कलर ऑफ फ्लेम जो आएगा इन सब में अलग अलग आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेम टेस्ट या फ्लेम कलर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिथियम या लिथियम के सॉल्ट को यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग को कलर मिलेगा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम को यहाँ पर रखूँगा तो मुझे कलर मिलेगा गोल्डन येलो। तो समझ में आ रहा है, गोल्डन येलो है तो मतलब कौन सा मेटल लिया आपने, सोडियम लिया है। तो ये जो फ्लेम कलर होता है इससे आप पता भी कर सकते हैं कि आपके हाथ में जो सैंपल है वो कौन सा एलिमेंट का सैंपल है। नेक्स्ट, पोटाशियम में हम लोग को मिलता है वायलेट कलर, वायलेट की जगह कहीं कहीं लाइलेट कलर दिखेगा, दोनों एक ही चीज है, वायलेट या लाइलेट मीन्स पोटाशियम। नहीं, अब है रूबीडियम, रूबीडियम में आपको रेड वायलेट मिलता है, रेडिश वायलेट मिलेगा। अब देखो, ये जो मैं कलर लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में, किसी और बुक में वायलेट भी लिखा आपको मिल सकता है या रेड भी लिखा मिल सकता है, तो आप ये ध्यान रखिए रेड वायलेट होगा हम लोग के लिए क्योंकि एनसीईआरटी में रेड वायलेट मेंशन है। नेक्स्ट, सीजियम को जब आप रखेंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। अब ये कलर आपको याद रखनी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस में आते हैं, अक्सर आपको कलर के ऊपर क्वेश्चन दिख जाएंगे। नेक्स्ट, बेरिलियम का कलर क्या होगा, मैग्नीशियम का कलर क्या होगा, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम नो कलर, बेरिलियम भी आपको कोई कलर नहीं देता है, मैग्नीशियम भी आपको कोई कलर नहीं देता है, क्यों नहीं देता है अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। कैल्शियम ब्रिक रेड, कहीं भी आपको बोल दे फ्लेम कलर ऑब्टेंड इज ब्रिक रेड, मतलब कैल्शियम की बात हो रही है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम का होता है डार्क रेड, डार्क रेड। तो देखो, ये डार्क रेड है, ये रेड वायलेट है, ये क्रिम्सन रेड है, इन तीनों में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ब्रिक रेड मिल बोल दे कोई तो जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम, ब्रिक रेड सिर्फ कैल्शियम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, बेरियम एप्पल ग्रीन, अब देखो ग्रीन तो कहीं है ही नहीं, कहाँ है, सिर्फ बेरियम में बोलता है फ्लेम कलर इज एप्पल ग्रीन, कुछ नहीं सोचना है, आंसर इज बेरियम। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पहले ये समझेंगे कलर आया क्या। तो देखो, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर मैं एनर्जी दे दूंगा तो ऊपर चला जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, तो दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाकर फिर नीचे आना, ये फ्लेम को कलर देता है। तो फ्लेम कलर क्यों आया, फ्लेम कलर इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए फ्लेम कलर आता है। पर बेरिलियम मैग्नीशियम में क्यों नहीं आया, इसने क्या गलती कर दी, जो इनका कलर नहीं है इनको नो कलर बोला गया। सो देखो, ये ट्रांजिशन अगर आपका विजिबल रेंज में होगा तभी आपको कलर दिखेगा, क्योंकि हमारी जो आईज होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोग कलर देख पाते हैं। इनका जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली हाई होता है या एक्साइटेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसके कारण से इनका जो कलर आएगा वो या जो रेंज आता है वो विजिबल एरिया में लाइन नहीं करता है, विजिबल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को इसमें कलर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, ड्यू टू हाई एक्साइटेशन एनर्जी, ड्यू टू
high value of excitation energy. Due to high value of excitation energy, beryllium and magnesium has no color. Flame को का color जो रहेगा वही रहेगा, उसको वो change नहीं कर पाता है. ठीक, अब देखो, अब ध्यान रहे इस बात का कि आप लिथियम लेंगे तो भी आपको कलर मिलेगा, लिथियम प्लस लेंगे तो भी आपको कलर मिलेगा. होता क्या है, केमिस्ट्री लैब में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्लेम टेस्ट होता है, अगर आपको लिथियम मिला है तो आप आगे उसको लिथियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, सोडियम मिला है तो सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं. तो मीन्स फ्लेम टेस्ट के समय जो मेटल होता है उसको हम लोग मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोराइड जब मेटल क्लोराइड बन जाता है उस समय कलर जो होता है परफेक्ट आता है, आपका रिजल्ट में एरर के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं अगर आप मेटल क्लोराइड का फ्लेम टेस्ट करा रहे हैं. तो ध्यान रहे प्रैक्टिस में, मतलब ऐसा नहीं है कि और लेंगे तो नहीं मिलेगा, बट एरर के चांसेस रहेंगे. तो लिखेंगे इन प्रैक्टिस मेटल्स आर कन्वर्टेड टू क्लोराइड फॉर फ्लेम टेस्ट. मतलब आपको फ्लेम टेस्ट करना है तो पहले जो मेटल मिला है उसको मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसका आप फ्लेम टेस्ट कीजिए. अब मेटल को मेटल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान तरीका है, कंसंट्रेटेड HCl यूज कीजिए तो आपका मेटल जो है मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि NCERT में लाइन मेंशन कर दिया गया है कि मेटल क्लोराइड इज मोस्टली यूज, तो इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ और लेंगे तो कलर मिलेगा, बट प्रैक्टिस में एक्चुअली जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं.